दोस्तों सबनम से अब कोई नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों, बहुत ही करंट की जानकारी समझ लो, एकदम ब्रेकिंग न्यूज कि सबनम से अब कोई भी मेल मिलाप नहीं कर सकता। दोस्तों सबनम का बेटा भी नहीं। दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी आई है कि सबनम से अब उसका बेटा भी नहीं मिल सकता। दोस्तों जब पूछा गया कि क्यों, तो दोस्तों जवाब आया COVID-19। हाँ दोस्तों, महामारी के कारण। ऐसी बड़ी जानकारी आई है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैं देता हूं दोस्तों कि आखिरकार सबनम को बार बार जेल से दूसरी जेल में क्यों भेजा जा रहा है, आखिरकार क्या है इसकी सच्चाई। यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सबनम की जेल भी चेंज की जा रही है और उसे मिलने नहीं दिया जाता। सबनम को यह डर बना रहता है कि कब उसकी एक बड़ी न्यूज आए, कोई व्यक्ति उसकी बड़ी न्यूज लेकर आए कि भाई आपके पास इतने दिन बचे हुए। दोस्तों सबनम और सलीम की वर्तमान समय में ऐसी हालत है कि वे दोस्तों दिन प्रतिदिन घुट घुट कर जी रहे हैं। उन्हें यही डर बना रहता है कि कब हमारी कोई बड़ी न्यूज आ जाए। दोस्तों यह सच में चौंकाने वाली बात है और रातों को सबनम और सलीम को नींद नहीं आती। दोस्तों वे जब 4 घंटे भी सो लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम लगभग महीना भर सो लिए। यह एक ऐसी सच्चाई है दोस्तों जिससे कोई नहीं भाग सकता। जब कठिनाइयों के साथ कोई दिन गुजरते हैं दोस्तों, तो एक एक दिन ऐसा लगता है जैसे कि 1 साल का दिन हो, यानी एक दिन 1 साल का दिन लगता है। यह एक कड़वी सच्चाई है। जब कठिनाइयों के दिन चलते हैं, जब मुसीबत के दिन आते हैं, तब कठिनाइयों के जो दिन होते हैं, चाहे आपके साथ 1 महीना कठिनाई रहे, फिर भी आपको वह 1 महीना ऐसे लगेगा जैसे कि 1 साल हमने कठिनाइयों में गुजारी है। दोस्तों ऐसा हाल है सबनम और सलीम का। इन दोनों की दास्तान एक ऐसी पूरे हिंदुस्तान की दास्तान बन चुकी है, ना आज से पहले ऐसी दास्तान थी और ना शायद होगी। इसके बारे में नहीं कह सकता कि आगे नहीं होगी, क्योंकि अपने भारत देश में आप देखेंगे तो हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद दोस्तों एक ऐसी बड़ी न्यूज निकल कर आती है जो कि पूरी दुनिया को, पूरी देश को हिला कर रख देती है और फिर याद दिलाती है पुरानी बातों को कि हाँ इससे पहले भी ये हो चुका है। उसी प्रकार से सबनम का केस है जिसमें एक सोनिया नाम की महिला के द्वारा ऐसा किया गया था, सेम टू सेम सबनम के जैसा। दोस्तों इसीलिए जो कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाएगा सबनम के लिए, वह सोच समझ कर सुनाया जाएगा। उसके पीछे कई प्रकार के रीजन होंगे, तब जाकर इनके लिए फैसला सुनाया जाएगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि आखिरकार 13 साल से क्यों इंतजार किया जा रहा है, आखिरकार इसकी क्या है सच्चाई। दोस्तों 13 साल में से लगभग 7 साल तो सबनम अपने बेटे की वजह से आज वह दोस्तों जिंदा है। 13 साल में से लगभग 7 साल तो वह अपने बेटे की वजह से दोस्तों जिंदा है, क्योंकि एक नियम है दोस्तों कानून के अनुसार, अगर कोई बच्चा जेल में पैदा होता है तो वह अपनी माँ के साथ लगभग 7 साल तक रहता है जेल के अंदर। दोस्तों इसीलिए सबनम 7 साल तक दोस्तों जेल में रही। बस उसके बाद दोस्तों नया फैसले आने स्टार्ट हो गए सबनम और सलीम के। और आज आप लोगों को पता है कि लगभग 13 साल बीत चुकी हैं और 13 साल से अधिक भी हो चुकी हैं, और यह सच में चौंकाने वाली बात है कि इतने दिनों क्यों इंतजार किया जा रहा है। अगर इंतजार किया जा रहा है, क्या इसमें कुछ नया मोड़ आ गया है, क्या इस सबनम के केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है जिसकी वजह से सबनम के इस फैसले को बदल दिया जाए, सबनम को जो सजा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, क्या उसे बदल दिया जाएगा, क्या उसे उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। दोस्तों इसके चांस 50-50% चांस है, 50% दोस्तों उम्र कैद में बदला जा सकता है, 50% चांस दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन आप लोगों के मन में क्या विचार है सबनम को लेकर, हमें कमेंट्स करके बताना। आप, मैंने बोला 50-50% चांस है,
एक 50 तो दोस्तों फांसी है, एक 50 है उम्र कैद। लेकिन इन दोनों में से किसकी तरफ है, उम्र कैद या फिर फांसी? तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि हम भी तो लोगों की राय जान सकें कि आखिरकार लोगों के मन में क्या चल रहा है शबनम और सलीम को लेकर। दोस्तों गुनाह तो दोनों ने कबूल लिया है, इसीलिए दोस्तों केस यहां तक आया। अगर ये लोग नहीं कबूल करते, कोई ऑब्जेक्शन उठाते, तो अब तक सीबीआई जांच चल रही होती या फिर सीबीआई जांच हो जाती। लेकिन किसी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया, ना ही शबनम ना ही सलीम के द्वारा। एक जानकारी पूर्ण रूप से अभी तक किसी को नहीं पता चल सकी है कि आखिरकार शबनम और सलीम के द्वारा जो कुछ किया गया 2008 में, एक रात की घटना दोस्तों, उस रात को यह सब कुछ किस लिए किया था? क्या चाहिए था इन लोगों को? क्या दौलत चाहिए थी या फिर प्यार चाहिए था? यह दोस्तों अभी भी लोगों के मनों में दोस्तों कंफ्यूजन बना हुआ है। एक ऐसी दोस्तों यह जानकारी है जो कि सबको हिला कर रख देने वाली है कि आखिरकार इनके द्वारा जो कुछ किया गया वह क्यों किया गया। दोस्तों शबनम के द्वारा तो कबूलनामे, यानी शबनम ने खुद मीडिया वालों के सामने आकर बोला था कि हम दोनों ने ये प्यार के लिए किया था और ताकि हम शादी कर लेंगे और यहीं पर रहेंगे, यानी जो करोड़ों की हवेली है, करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, वहीं पर रहेंगे शादी करने के बाद। ऐसा शबनम के द्वारा कहा गया है। लेकिन दोस्तों क्या इसके पीछे और भी कई ऐसी जानकारियां हैं या फिर कई ऐसे राज हैं जिन्हें आना जरूरी है, या फिर कई राज अभी? शबनम का लवर सलीम तो शायर बन चुका है, वह छठी पहल है, उसे लिखना नहीं आता, फिर भी वह लिखना सीख गया है और शबनम को हर डेली याद कर करके वह शायरी बोलता है और शायरी लिखता है। कभी कभी शबनम की अखबार में फोटो आने पर उसे सीने से लगाकर कभी कभी सलीम रोता है। दोस्तों उसे नींद नहीं आती है, यह है हालत सलीम की, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप शबनम के बारे में बता रहे हैं, सलीम की क्या हालात है उसके बारे में भी कुछ बताइए। मैंने दोस्तों दोनों के बारे में बताया और लगातार दोनों के बारे में जानकारी ला रहा हूं। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से शबनम की एक पिक्चर आई थी आप लोगों को पता है, फिर उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया, उसकी जेल को चेंज कर दिया गया, उसे दूसरी जगह भेजा गया। एक तरफ तो शबनम की जो जगह चेंज की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शबनम से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसके बेटे को भी, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह महामारी, क्योंकि महामारी एक ऐसा कारण है दोस्तों जिससे हर कोई पीछे हट जाता है। एक बेटा जो कि अपने माँ के साथ लगभग 7 साल तक रहा और आज उसकी हालत ऐसी है कि वह अपनी माँ से भी नहीं मिल सकता। दोस्तों यह एक ऐसी सच्चाई है जो कि हर किसी को रुला भी सकती है, इमोशनल कर सकती है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दाब दिया करो दोस्तों, क्योंकि हम लगातार जानकारी अपडेट्स ला रहे हैं और हम आपकी कमेंट्स का इंतजार करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।